two flavors. Gupta, Tata Motors alone, head marketing utility vehicles, passenger vehicle business unit. तो आज हम टाटा मोटर्स की तरफ से एक नई एसयूवी पेश कर रहे हैं मार्केट में जिसका नाम है हैरियर. हैरियर हमारी एसयूवी है जो बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी पे बनाई है. हमने अपनी ग्रुप कंपनी लैंड रोवर के लेजेंडरी डी8 प्लेटफॉर्म पे डेवलप की है ये गाड़ी जो हमारे नए आर्किटेक्चर ओमेगा पे बनी है. इस गाड़ी के अंदर बहुत ही बेहतरीन फीचर्स दिए हमने. इसकी ड्राइवेबिलिटी, इसके ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर एसयूवी जैसे हैं. इसका डिज़ाइन हमारी नई डिज़ाइन टेक्नोलॉजी जो इम्पैक्ट डिज़ाइन 2.0 फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं उस पर बनाई गई है. और इसके अंदर बहुत ही शानदार फीचर्स दिए हैं, चाहे वो इंटीरियर्स में मैं प्रीमियम ओक ब्राउन इंटीरियर्स की बात करूँ या फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम जो 8.8 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन हमने दी है जो बहुत ही बढ़िया अकूस्टिक एक्सपीरियंस देता है अपने 9 JBL स्पीकर्स के साथ. इस गाड़ी में हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना नया क्रायोटेक इंजन जो 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो डिलीवर करता है 140 PS पावर और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क. इसको हमने खास करके इंडियन कंडीशंस के लिए बनाया है इस गाड़ी को 2.2 मिलियन किलोमीटर्स टेस्ट करने के बाद. और हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि ये गाड़ी सभी कस्टमर्स को चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और ऑल ओवर इंडिया कस्टमर्स इसको सराहेंगे और इसको बहुत ही बढ़िया से रिस्पॉन्स देंगे. इस गाड़ी की प्राइस हमने स्टार्ट की है 12.69 लाख से, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ ग्रेट प्राइस एंड आई होप कस्टमर्स को ये प्राइस बहुत ही लुभाएगी. कब से मिलेगी गाड़ी? ये जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ये गाड़ी हमारे सब शोरूम्स पे इट इज अवेलेबल फॉर सेल. तो इस जो प्राइस रेंज आपने बताई है, इस प्राइस रेंज में 3-4 एसयूवीज हैं मार्केट में अभी, तो कंपटीशन के कैसे देखते हैं आप हैरियर का? देखिए, हमने जो एसयूवी ये पेश की है मार्केट में, हमारे तरफ से ये एक नई सेगमेंट क्रिएट करेगी. बहुत गाड़ियां हैं मार्केट में बट कोई ऐसा डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है जिसको देख मद्देनजर रखते हुए हमने ये गाड़ी बनाई हो. टाटा मोटर्स हमेशा बिलीव रखती है कि हम एक नई सेगमेंट क्रिएट करें, तो इस गाड़ी के साथ हम एक नई सेगमेंट एसयूवीज की क्रिएट करना चाहते हैं. सर, इस गाड़ी के डिजाइन में, रिसर्च में कितना टाइम टाटा मोटर्स ने लगाया इसके लिए? देखिए, हमारे एक गेटवे होता है इंटरनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जिसको हम DR2 कहते हैं. ये DR2 करीब सितंबर 2016 में हुआ था जब मैनेजमेंट ने फाइनली इस प्रोडक्ट के ऊपर साइन ऑफ किया. तो उस टाइम से अब तक लेकर आप समझ लीजिए करीब 2.5 साल के अंदर हमने ये गाड़ी को फ्रॉम डिजाइन टू डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन फाइनलाइज किया है और गाड़ी में मार्केट में लॉन्च किया है. तो